हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे को। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम केवल पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसे हैं, जो निबंध है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, परंतु बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम एसे को बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 सीट बनते हैं ना, 7 से 8 सीट, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 सीटों में बार बार आपको मिल जाएगा ये सभी एसे को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं ये जो एसे है ये सभी आपके बोनस नंबर है, इनको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम एसे पे आते हैं कि कौन है सबसे पहला हमारा एसे। तो याद रखेंगे एसे आपका सबसे पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसे है जो है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है, सॉरी एसे है, निबंध है, जो कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय त्योहार पर आपको लेटर लिखने के लिए आ जाता है। अब भारतीय त्यौहार में आपको आप किसी पर भी कोई भी त्यौहार आप ले सकते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं, होली पर लिख सकते हैं, दिवाली पर लिख सकते हैं, ईद पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा यदि बात करें तो आपसे पूछ लिया जाता है एन आइडियल टीचर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एन आइडियल टीचर मतलब आपका जो आइडियल टीचर है, जिनके जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। ठीक है, उनका उनके पर क्या करना है, एक लेटर लिखना, सॉरी एसे लिखना होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तीसरा यदि हम एसे पे बात करें, हाँ एक और बात है कि आप सोच रहे होंगे कि सर आप बता तो दे रहे हैं बट इन सभी को हम कैसे लिखेंगे, आप ये भी तो हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल, हम आपको इन सभी पर एसे लिखना भी हम बताएंगे, परंतु मैं इससे पहले मैं यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि इन सभी पर बताया जाए तो केवल कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता देना है कि आपको इन सभी टॉपिक पे बनाइए वीडियो, तो बिल्कुल हम बनाएंगे। और एक आवश्यक सूचना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का और अंग्रेजी का, तीनों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक करा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चन बताया है उन सभी का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे पे यदि हम बात करें तो आपका आ जाता है माई फेवरेट टीचर, यह भी इंपॉर्टेंट है, माई फेवरेट टीचर मतलब आपका जो प्रिय जो क्या है शिक्षक है, उन पर भी आपको टीचर क्या करना है, एसे लिखने के लिए आ जाता है। आइडियल मतलब जिनके जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं उनका लिखिए, और फेवरेट टीचर पर लिखना है तो मतलब जो आपको पसंद है टीचर, उनके बारे में भी आप एसे लिख सकते हैं। ठीक है, कि उनकी पर्सनालिटी कैसा है, वो कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, वो सभी कुछ आपको लिख सकते हैं, वो भी हम जब कराएंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आते हैं चौथे पर, चौथा आता है द पॉल्यूशन। अब आपका ये तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि पॉल्यूशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर एसे तो आपको बिल्कुल पूछा ही जाता है। यदि बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो पॉल्यूशन पर तो आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है इस समय की बहुत ही खतरनाक हम कह सकते हैं समस्या बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा एक और आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो माय बेस्ट फ्रेंड पर भी आपको लिखना होता है। तो ये हुआ आपका पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे।
अगर आप कहें कि सर इसमें भी आप बता दीजिए कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक है, अदरवाइज मैं कह दूंगा कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लीजिए। देखिए ये आपका ऐसे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, परंतु हम उसमें से छांट कर आपको हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे को बताया है, तो इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। मैं भी नहीं जानता कि कौन इन समय से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि 5ों को तैयार कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास समय ना है, ठीक है, नहीं समय है, तो आपसे मैं कहूँगा कि कम से कम इन 3ों पर तैयार कर लीजिएगा। एक है फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर, ठीक है, जो कि VBI है। दूसरा है पॉल्यूशन पे। और देखिए आइडियल टीचर और फेवरेट टीचर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है, दोनों का ऐसे समान इक्वल ही लिखा जाता है। तो या तो आइडियल टीचर पे आप एक तैयार कर लीजिएगा, एक बेस्ट फ्रेंड पर। बेस्ट का मीनिंग गलती है क्या, ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ पर देखिए इन जो पे ये मतलब देखिए मैं यही कहूँगा कि इन दोनों में से आपको एक कोई तैयार कर लेना है, और इसमें इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, मतलब 4 आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों एक ही जैसा होता है, जब हम कराएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, सबसे पहले इन सभी को पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको करा देंगे। अदरवाइज मान लेते हैं आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिन बाद देख रहे हैं, तो हमने शायद हम ये सभी टॉपिक करा दिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है इंग्लिश का भी हिंदी का भी, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपने सभी टॉपिक की अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनकी पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो कंटेंट होंगे वो प्रोवाइड हम कराएंगे, जो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।